खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन की हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। किश रूप नहीं किश जात नाही किश ढंग ना मेरा क्या मुँह लै बोलै गुण बिहून नाम जपिया ना तेरा ज्यों बुलाव है त्यों बोलै स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाह जिस पास बैठया सोही है सबना दावे साह जिस पास बैठया सोही है सबना दावे साह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला चौथा अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपहे खपाही अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपहे खपाही सतगुर का पाना चित ना आवे अपना सुवाए फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही सतगुर का पाना चित ना आवे अपने सुवाए फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल जागत जोत चवर छतर तख दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर दीवान स्थान गुरद्वारा श्री मंजी साहिब अते देश विदेश विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ सतगुरां ने महान मेहरामत कीती है सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे प्रकाशमान हो के जो मुख वाक बख्शिश कीते हन दीन दुनी दे थम
सेवा ते सिमरन दे मुजस्मे अमृतसर शहर दे बानी खाली हिरदे रूपी सरोवरां नू नाम रूपी अमृत जल नाल शिरशार करन वाले सतगुरु अमृत बाणी दे नाल जिन्हां दे हमेशा नेत्र सज्जल रहिंदे सन गुरु नानक जोत दे चौथे वारस साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी दे उचारण कीते हुए ये अमृतमई बचन राग सोरठ की वार जिस विच 29 पौड़ियां ने यह 26वीं पौड़ी है। हर पौड़ी तो पहला 2 श्लोक ने, श्लोकों की गिणती 58 है, जिस विच 48 श्लोक धन गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण किए हुए हैं। 2 श्लोक जगत गुरु नानक साहब जी दे, 1 श्लोक धन गुरु अंगद देव महाराज जी दा, अते 7 श्लोक धन गुरु रामदास महाराज जी दे अपने उचारण किए हुए हैं। पौड़ियां सारिया ही गुरु रामदास महाराज दियां हन, इस करके ये सोरठ की वार धन गुरु रामदास महाराज जी की उचारण की हुई है। ये पावन गुर शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 652 अते 653 ते शोभनीक है। वारां दा मूल स्वरूप पौड़ियां ने, जिवें भाई गुरदास जी दियां वारां केवल पौड़ियां हन, बाबा सत्ता ते बाबा बलवंड जी दी वार केवल पौड़ियां हन, बसंत की वार भी केवल पौड़ियां ने। सो जिस सतगुरु जी दी उचारण कीती हुई वार उसे ही सतगुरु साहब जी दियां उचारण कीतियां हुईयां पौड़ियां वार विच शोभनीक ने। जिथे किते व्याख्या स्वरूप धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी पौड़ी अंकित कीती है, उत्थे पौड़ी महला पंजवां जां पौड़ी नवी जां पौड़ी पंजवां भी लिखिया होया। इस करके सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने जो पावन पौड़ी दे विच सानू भाव बख्शिश कीता है कि असल वे जिहड़े प्रभु नू प्यारे लगदे ने, जिहड़े मालक दे दर ते कबूल हो जांदे ने, उही संत जन ने, उही सुगड़ सियाने जीव हन, उन्हां नू सुचजे ज्ञानवान कहना चाहीदा है। ते बिल्कुल इस तों विपरीत जिहड़े मालक तों टुट गए ने, गुरु तों बेमुख हन, ऐसे जीवां नू अंदरों कपटी छलिए होण दे कारण अग्ञानी कहा जा सकदा है। ते उन्हां दी ना परमेशर ते प्रतीत है, ना उन्हां नू गुरु ते कोई सिद्धक भरोसा जां विश्वास है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी आरंभक श्लोक दे विच कृपा कर रहे ने, अंतर अग्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही। जिन्हां दे अंदर अग्ञानता है, अग्ञानता दा भाव हुंदा है अविद्या, हनेरा, इस अग्ञानता दे कारण उन्हां दी मत जिहड़ी है वह होशी हो जांदी है। मध्यम दा अर्थ हुंदा जिवें दीवा बलदा होवे ते वह बुझण दे नेड़े होवे ते बुझण तों पहलां वह हौली हौली घटदा जांदा, जिहनूं आपां कहिंदे आ कि उहदी रोशनी मध्यम हो रही है। भाव जिहड़ा मनमुख है उहदी मत हौली हौली खत्म हुंदी है, ते खत्म होण तों पहलां वह जदों मध्यम हुंदी है, मलीन हुंदी है, होशी हुंदी है। ते सतगुरां ने नाल ये भी जिक्र कीता है, सतगुर की प्रतीत नाहीं, क्योंकि उन्हां मनमुखां नूं, उन्हां अग्ञानी जीवां नूं सतगुरु दे उपर प्रतीत नहीं है, विश्वास नहीं है, सिद्धक ते भरोसा उन्हां दा कदे कायम नहीं रहिंदा। ते जिन्हां दी सतगुरु ते प्रतीत नहीं है उन्हां दी हालत इस तरह की है, सतगुर की प्रतीत ना आईआ शब्द ना लागो भाओ, उस नूं सुख ना उपजै भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। 100 दा अर्थ है सैकड़े, गेड़े दा अर्थ हुंदा गेड़े मारने, आउणा ते जाणा। जिहदे अंदर सतगुरु प्रति सिद्धक भरोसा नहीं है, परमेश्वर प्रति विश्वास नहीं है,
वह भावें सैकड़े वार आवे जावे सौ वार गेड़ा लावे गुरु दर ते गुरु की संगत विच जदों तक उहदा विश्वास उहदी प्रतीत नहीं बनदी साहिब कहिंदे उहनूं आत्मक सुख जिहड़े ने उह प्राप्त नहीं हो सकदे। ते जिन्हां दे अंदर प्रतीत है जिन्हां दा सिदक ते भरोसा है मालक ते उहनां बारे फिर सतगुरु जी जिक्र करदे ने जांकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया ते लोए जांकै हिरदै एको होए सच करनी सच ताकी रहत हिरदै सच सतमुख कहत। वह अपनी रसना तो भी सच्चे प्रभु नूं जपदे ने ते हिरदे विच भी उहनां दे अंदर भी सच्चा प्रभु ही वसिया हुंदा है। पर जिन्हां दी रसना तो सानू इंज लगे भी जिवें ये सच्चे प्रभु का नाम जप रहे ने पर हिरदे विच होवे भी फलाने थां ते कोई धागा मिलदा है कोई तंत्र मंत्र मिलता है फलानी जगह ते मत्था टेकिया आ कुछ मिलता है वह बंदा बाहरों तो परमेश्वर नूं जपण वाला होवे ते अंदरों किसी होर ते भरोसा रखता होवे। जिवें भाई मान जी नूं गुरु अर्जन देव जी ने बचन कहे सन कि भाई मंझ सिखी ते सिखी नहीं टिकदी पाव जे तेरे अंदर सखी सरवर की सिक्ख्या है ते गुरु की सिक्ख्या तेरे अंदर नहीं टिकेगी। इस करके सब तो पहला मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी अन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। अपने जीवन विच्चों मन की मत का त्याग करो ते गुरु की मत नूं ग्रहण करो। गुरु की मत श्रेष्ठ है उजली है ते जिहड़ी मन की मत है वह होशी है वह कपट भरी है। मनुख उस मत का धारनी हो के छलिया बन जाता है। जिवें प्रभु भगतां ने भी अरदास कीती है माधो अविद्या हित कीन। अविद्या का अर्थ है अग्ञानता। हे माधो हे प्रभु साडी जीवां दी ये हालत है कि असी तेरे नाल हित करना सी तेरे नाल प्यार भरी भगती तेरी करनी सी पर साडा हित जिहड़ा है वह अग्ञानता नाल अविद्या नाल हनेरे नाल जुड़ गया। अज भी वेखो गुरबाणी इस जग में चानण करम वसै मन आए सतगुर शब्द उजारो दीपा। पर जदों असी बाणी दा ज्ञान छड़ के वहमां भरमां कर्म कांडां दे अग्ञानता दे हनेरे विच तुरन दा यतन करदे हां ते ठेडे लगदे ने टक्करां वजदियां ने थां थां ते भटकणा जिहड़ी है वह कैम रहिंदी है। ते जदों तक असी गुरु ज्ञान नूं अपनी जिंदगी विच प्रवेश नहीं करावांगे उदों तक ये अग्ञानता दा हनेरा कदे साडी भटकणा खत्म नहीं होण देवेगा। और सतगुरां ने जिक्र भी कीता बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लादा। गरीब नवाज ने कृपा की कहन लगे माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन। असी जीवां ने जां साडी गल भगत जी कर रहे ने कि जदों अग्ञानता नाल अविद्या नाल असी हित भाव प्रेम करदे हां अपना संबंध अग्ञानता नाल जोड़ लैंदे हां जदों सानू ज्ञान रूपी चानण चंगा नहीं लगता असी अग्ञानता नाल प्रीत पाउने आ। अविद्या हित कीन ते फिर हुंदा की है बबेक दीप मलीन। जिहड़ा साडा ज्ञान दीपक है बबेक दीपक है वह मलीन होना शुरू हो जाता है। मलन भई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए करो किरपा भ्रम चूक कई मैं सुमत दियो समझाए। किरपा करो सानू ओ मत दियो जिहड़ी ज्ञान नाल शरशार होवे ते असी अपनी जिंदगी विच्चों वहमां भरमां नूं खत्म करके हे मालक तेरी आराधना दे विच जुड़ सकीए। भगत कबीर साहब जी ने भी जिक्र किया कहन लगे लोकी भावें मेरी किरत वेख के मैनू जुलाहा कहिंदे ने पर मैनू परमेश्वर दे सिमरन वाली मत मिल गई है ना इस करके मैं जुलायां दी कुल विच पैदा हो के भी बड़ा मत दा धीर जवान सियाणा बन गया। ते जिहड़े लोग उच्ची जात नाल संबंध रखण वाले ने ते पए होए ने वहमां भरमां विच करदे ने पखंड रब नालों टुट के पूजदे ने छोटियां शक्तियां नूं वह होशी मत वाले ने उन्हां दे बचन ने जात जुलाहा मत का धीर सहज सहज गुण रमै कबीर। कहिंदे मैं
जात करके जुलाहा हाँ, पर मत दा बड़ा धीर जवान ते सियाणा बन गया हाँ। ते अरदास भी ये करनी चाहीदी है, सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। हे प्रभु सानू ओ मत दे, ओ अकल दे जिहदे नाल असी तेरी आराधना कर सकीए। सानू ओ अकल नहीं चाहीदी जिहड़ी अज्ञानता वाले पासे लैके जावे, क्योंकि अज्ञानता दे कारण जिहड़ी अकल है, जिहड़ी मत है, वह मध्यम हो जाती है, होशी बन जाती है। साड़ी जिंदगी वे जदों भी अज्ञानता आवेगी, अज्ञानता दे कारण सब तो पहला मनुखी मत ते असर हुंदा है, ते फिर मनुख की जिहड़ी प्रतीत है, विश्वास है, वह प्रभु अते सतगुरु ते बनता नहीं। इसलिए गरीब नवाज धन गुरु रामदास महाराज कृपा कर रहे हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला चौथा। ये पावन श्लोक धन गुरु रामदास महाराज जी का है। अंतर अज्ञान भई मत मध्यम, सतगुर की प्रतीत नाही। हे भाई, जदों अंदर अज्ञानता है ते अज्ञानता दे कारण मत जिहड़ी होशी बन गई, मध्यम हो गई बुद्धि मनुख दी, ते फिर सतगुर की प्रतीत नाहीं, इहदा सिदक भरोसा अपने गुरु ते नहीं बनदा। अंदर कपट सब कपटो कर जाणै, कपटे खपहे खपाही। रब नालों टुट के गुरु नालों मुख मोड़ के फिर अंदर कपट भाव अंदर छल पैदा हो जाता है, ते इनू इंज लगता है भी जिवें सारे पासे छाल ही है, धोखा ही है। जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। कहिंदे कोई मनुख घर परिवार नाल लड़ झगड़ के घरों दौड़ गया, कहिंदा भी चलो किसी दरख्त थले जा के बैठते हैं। जदों दरख्त थले बैठा तो थोड़ी थोड़ी हवा चली तो दरख्त के पत्ते आपस में टकराउण लगे, खड़कण लगे, कहिंदा मना घर छड के इत्थे आ गया, इत्थे दरख्त के पत्ते लड़दे पए ने। भाव कि कई बार मनुख अंदर दी शांति लई नाम बदलदा, थां बदलदा, पर साहब कहिंदे जे तू अंदर नू बदल लवें तो गल तो फिर बननी है, नहीं तो जिथे भी जावेगा तेनू इंज लगेगा भी जो कुछ मेरे अंदर है वह मैं नाल ही लैके चलिया। भाव जिथे भी जावेगा तेनू इंज ही लगेगा भी जिहो जी तेरे अंदर दी बिरती है बाहरों भी तेनू उहो जिहा दिखाई देवेगा। जिवें बुरा ना कोई युधिष्ठिर है दुर्योधन भला ना देखै। दुर्योधन बुरा सी, उहदा अर्थ ही वेखो जे आपां नाम दे अर्थ करने होण, दुर्योधन भी योधा ते सी पर चंगा योधा नहीं, दुर दा अर्थ हुंदा भैड़ा योधा। जिवें दुर मत भी मत ते है पर चंगी मत नहीं, भैड़ी मत। इसे तरह दुर्योधन जिहड़ा योधा ते सी, योधे दा काम ते हुंदा भी किसे नूं जदों कोई बेपड़द होण लगे ते उहदे ते पड़दा पाउणा। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब योधे ने ना, जदों औरंगजेब हिंदू कौम नूं नंग्यां करन लगा, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने शरीर की चादर पा के उन्हां दा पर्दा कज लिया। ये आ असल योधे। ते वह दुर्योधन भैड़ा योधा जिहड़ा द्रौपदी का चीर हरण करदा दुशासन की सभा दे विच। हुण उहनूं भेजिया भी जा कोई चंगा बंदा लभ के लिया, तो आप चंगा नहीं सी ना। वह कहण लगा भी संसार विच कोई भी चंगा नहीं। तो युधिष्ठिर नूं भेजिया भी तू कोई बुरा बंदा लभ के लिया, तो उहदी अपनी बिरती चंगी सी, कहण लगा भी कोई भी बुरा नहीं है। तो भाई गुरदास जी लिखते ने, बुरा ना कोई युधिष्ठिर है दुर्योधन भला ना देखै। हुण जदों इस तरह की अंदर बिरती बन जाती, फिर कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। फिर तो इंज लगता भी सारा संसार भला है। ते सतगुरु गरीब नवाज कृपा करते ने भी जिन्हां दे अंदर कपट है, छल है, वह सारा कुछ कपट छल ही समझते ने, धोखा ही समझते ने। ते फिर इस छल कपट दे कारण, धोखे दे कारण आप भी अंदरों खप खप के दुखी हुंदे ने, ते दूजिआं नूं भी दुखी करदे ने, दूजिआं नूं भी खपाउंदे ने। जिहड़े सतगुरु गुरु रामदास जी ने बचन कहे, जिन हर हिरदै नाम ना बस्यो तिन मात कीजै हर बांझा। उहदे विच जिक्र है तिन सुंजी दे फिरै बिन नावै, उह खप खप मोए करांझा। शरीरक तौर ते उह जिउंदे ने, पर अंदर कपट होण दे कारण खप खप के आत्मक मौते
क्रुज क्रुज के भाव अंदरों दुखी हो के फिर वह आत्मक मौते मरते ने ते आप भी दुखी होंदे ने ते दूजियां नूं भी दुखी करदे ने। हुण परमेशर दी जिहड़ी भगती है ये छल रहत जीवन है ते जदों कोई मनुख परमेशर तो टुट के किसी होर दी भगती वे जुड़ जांदा साहब कहिंदे ये पखंड ये कपट है। इसलिए भगतां कहा छोड़ छोड़ रे पखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नितै लीजै। हे पखंडी मन कादे लई कपट करदा तैनूं पता ते है भी सब तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है बाकी ते सब छोटियां शक्तियां ने ते तू कपट हिरदे विच लै के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा करन दी बजाए छोटियां शक्तियां दी पूजा विच उलझ के रह गया ये कपट है। बाहरों भेख है संतां वाला ते हिरदे विच संतताई नहीं। हिरदै जिन कै कपट है बाहरों संत कहाहें तृष्णा मूल ना चुकी अंत गए पछताए। साहब कहिंदे बाहर ज्ञान भी है ध्यान भी है ते इशनान भी है पर अंदर लोभी कुत्ता बैठा होया ते फिर हो की रहा बाहर ज्ञान ध्यान इशनान अंतर व्यापै लोभ सुआन। बाहर पिंडे ते सुआह मिली है भी सुआह का मतलब जिहदे विचों अग बुझ गई भी असी बिल्कुल शांत हो गए विभूति मल ली ते साहब कहिंदे जिहड़ी अंदर अगन बल रही है हरिद्वार की धरती ते जदों भाई मरदाना जी नूं भेजिया सी ना भी जाओ आओ सामने जिन्हें पिंडे ते सवाह मली चौंके ते कारां कढ़ियां ने उत्थे बलदी हुई अग विचों थोड़ी जी अग लै के आओ भोजन पका लवांगे सर्दी दूर हो जाएगी। ते जदों भाई मरदाना जी ने दस्या भी मैं गरीब जात नाल संबंधित हाँ ते उह उच्च जाति वाला कर्म कांडी भाई भाई मरदाना जी दे मगर बलदा होया चोह लै के भज्या ते सतगुरु कहण लगे भी बड़े परोपकारी महात्मा ने असी ते अपना सेवक भेजिया सी ते खुद ही अग देण आ गया वह होर सड़ बल के अग बघूला हो गया। कहण लगा मैं अग देण थोड़ा आया मैं ते दसण आया कि इस गरीब ने इस शूदर ने मेरा चौंका भ्रिष्ट कर दिता। उदों साहब ने फिर बचन कहे सन भी कारी कड्डी क्या थी है जां चारे बैठियां नाल भी बाहरों ते तू कारां कढ लईआं ते अंदर भैड़ियां बिरतियां चौंके दे अंदर तेरे नाल ही प्रवेश कर गया तेरा चौंका तो पहला ही भ्रिष्ट होया पिया। इस करके साहब कहिंदे जिन्हां दे अंदर कपट है अंतर अगन बाहर तन सुआ अंदर अग बल रही है क्रोध दी वकारां दी लोभ लालच दी तृष्णा दी ते बाहरों बंदा ये कह रहा मैं पिंडे ते सुआ मल के एक मैसेज कन्वे करां कि मैं शांत हो गया। साहब कहिंदे नहीं जे बाहर ज्ञान ध्यान इशनान है अंदर कपट है वह तो इस तरह जिवें कोई पानी नू माथ रहा होवे हिरदै कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलोवस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट भीतर है मलना। हुण आसा जी दी वार दा कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी सतगुरां सुचेत कीता अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावें उतरै नाही मैल। जिहड़े अंदरों झूठे ते बाहरों विखावे वाली उन्हां दी पैज इज्जत है ते साहब कहिंदे ओह अठाठां तीर्थां ते वी इशनान कर लैण पर उन्हां दे अंदर दी मैल इवें नहीं उतर सकदी क्योंकि जिहदे अंदर कपट है। ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी इन्ने स्टिक्ट सन वेखो जिथे निम्रता इन्नी के अरदास करदे ने गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाहें पर सका पुत्र बाबा पृथ्वी चंद मीणा है कपटी है। ते गुरु रामदास महाराज जी बचन कहिंदे ने काहे पूत झगरत हो संग बाप जिनके जने बढ़ीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप। जिहड़ा तेरे अंदर मीणापण है तेरे अंदर कपट है ना तू आप भी खपदा ते दूजियां नूं भी खपाउंदा ये सब तो वड्डा पाप है। तो जे तू गुरु का उपदेश सुन लवे तो फिर तेरे हिरदे का संताप दूर हो सकता है तो जे कपट रखेगा तो साहब कहिंदे अंदर कपट सब कपटो कर जाना है कपटे खपै खपाई फिर वह मनुख इस छल धोखे के कारण आप भी खपदा है तो दूजिया नूं भी खपाउंदा है। सतगुरु का पाणा चित ना आवे
अपने सुहाए फिराही। उहदे चित विच गुरु दा जिहड़ा भाणा गुरु दा हुक्म है वह नहीं वसदा, वह फिर अपने स्वार्थ अपनी गरज अपनियां लोड़ां दी पूर्ति वास्ते थां थां ते भटकदा है। वह फिर कदे जहांगीर कोल जांदा है, कदे चंदू कोल जांदा है, कदे सुलही खां कोल जांदा है, भाव उहदे चित विच गुरु दी विचारधारा नहीं वसदी। उहनूं उह कुछ दिसदा जिहड़ा गुरु तों उल्ट होवे, भाव कि जदों हिरदे विच कपट है, हिरदे विच छल है, हिरदे विच अज्ञानता है, तो मनुख फिर सैल्फिश भाव स्वार्थी हो के अपने मन की मत के कारण थां थां ते भटकदा रहिंदा है, पर सतगुरु का भाणा गुरु का हुक्म जिहड़ा है वह अपने चित विच नहीं वसाउंदा। कृपा करे जी अपनी ता नानक शब्द समाही। हाँ, ऐसे जीव जे मालक की कृपा दे पात्र बन जाण, जे उन्हां ते मालक कृपा कर दवे ते वह जीव गुरु की शरण विच आ जाण, ते फिर गुरु दे शब्द राही वह परमात्मा विच समा सकदे ने। भाव कि परमात्मा ने शरीरक जीवन सारिआं नूं दित्ता है, पर जिहड़े गुरु की शरण पै के आत्मक जीवन हासिल कर लैंदे ने वह फिर परमात्मा विच लीन हो जांदे ने, क्योंकि गुरु की शरण विच आउण दे नाल वह जीव जदों मालक की कृपा दे पात्र बणदे ने ते फिर सतगुरु उन्हां ते मेहरामत करके उन्हां नूं परमात्मा नाल जोड़ दिंदा है। पर शर्त यह कि जे वह अपनी मनमुखताई छड के अज्ञानता छड के गुरु की शरण पै के सतगुरु तो ज्ञान प्राप्त करन, ज्ञान अंजन गुर दिया अग्ञान अंधेर बनास, फिर अज्ञानता दा हनेरा जीवन विच्चों दूर होवेगा। जिवें सूरज चढ़ जावे ते रात दा हनेरा खत्म हो जांदा है ना, उगवै सूर न जापै चंद। चंद जिहड़ा है ये रात दा है ते सूरज दिन दा है। सूरज चढ़े ते चंद्रमा की की वैल्यू है? उगवै सूर, सूर सूर भाव उगवै उग पवे, सूर चढ़ पवे। उगवै सूर न जापै चंद, जै ज्ञान प्रगास अग्ञान मटंत। जिथे ज्ञान का सूर चढ़ गया उत्थे अग्ञानता की रात अग्ञानता का हनेरा खत्म हो जाएगा। इस करके साहब कृपा कर रहे हैं। महला चौथा, मनमुख माया मोहे वे आपे, दूजा पाए मनुआ थिर नाहे। दूसरे श्लोक में धन गुरु रामदास महाराज कृपा कर रहे ने भी ये मनमुख जीव जिहड़े ने ना ये मोह माया दे विच खचत ने, प्रभु नालों टुट के दूजे प्यार वे जुड़े ने, इस करके इन्हां दा मन जिहड़ा है वह थिर नहीं रहिंदा, टिकदा नहीं। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जदों शहादत देण तों पहलां भारत विच प्रचारक फेरी उन्होंने शुरू की आनंदपुर साहब तो वख वख थावां ते तीर्थां ते रहण वाले लोगों के कोल गए, जिन्हां ने बाहरों भेख साधुआं वाला बनाया सी पर मन नहीं सी टिकिया होया, ते उन्हां नूं उपदेश दिता। साहब कहण लगे, साधो ये मन गहो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बसत है जानते थिर ना रहाई। हे साधु जनो, ये मन पकड़ विच नहीं आउंदा, ये टिकदा नहीं, क्योंकि चंचलताई वाली तृष्णा दे नाल रहिंदा, तो इस करके इनू टिकाउणा बड़ा मुश्किल है। ये टिकेगा, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूट्यो कर बैठो विश्राम। जे तृष्णा है तो मन भटकेगा, तो जे नाम धन का खजाना मिल गया, मन वस आवै नानका जे पूर्ण कृपा होए। भाव मनमुख जिहड़ा है उहदा मन इसे करके थिर नहीं रहिंदा, क्योंकि वह मोह माया दे विच अपने मन नूं जोड़ी रखदा है। हन दिन जलत रहे दिन राती, हों मैं खपहे खपाहे। वह हर रोज़ तृष्णा दी मोह माया दी अग विच सड़दा रहिंदा है, ते आप भी खपदा है ते दूजियां नूं भी खपाउंदा है। अंतर लोभ महा गुबारा, तिन कै निकट ना कोई जाहे। उन्हां दे अंदर लोभ होण करके बहुत वड्डा गुबारा अज्ञानता दा हनेरा है, ते ऐसे जीवां दे नेड़े फिर कोई भी नहीं जांदा, क्योंकि लोभी का विसाह ना कीजै जेका पार वसाए, अंतकाल तिथै तोहै जिथै हाथ ना पाए। जिहदे अंदर लोभ है
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਕੁੱਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ, ਉਹੀਓ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੋਏ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਵਹੇ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਮਰ ਜਾਹੇ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਜਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨਮੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੇਮੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਕਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਭਾਵ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀਆ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚੱਖਣ ਜੰਤ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚੱਖਣ ਭਾਵ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਈਏ ਸਾ ਸਿਆਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਿਆਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਆਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਵ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ 75-75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੀ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜੀ ਲਈਏ, ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਮਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗੀਏ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ,
ते साहब कृपा करदे ने वह असल विच विचक्षण ने सियाने ने जिन्हां ने हरी परमेश्वर नूं ध्याया है। अमृत नाम निदान भोजन खाया, जिवें शरीरक तौर ते सानू जीवन मिले आपां भोजन खाने आ, उहनूं वी सतगुरु जी ने अमृत किया ना। अमृत का अर्थ है मृत कहिंदे ने मौत नूं, ते जदों ऐड़ा अगे लग जावे अमृत भाव जिहड़ा मृत्यु तो रहत जिहड़ा जीवन दवे। हुण शरीरक जीवन मिलदा है 36 प्रकार दे भोजन खाद्या, ते उत्थे अमृत शब्द वरत्या जिह प्रसाद 36 अमृत खाहे। दुध पीण नाल शरीरक जीवन मिलदा है, ते साहब कहिंदे पशु मिलै चंगियाईआं खड़ खावै अमृत दे। ते दूसरे पासे आत्मक जीवन मिलना है परमेश्वर दी बंदगी तो। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी, अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै। भाव जे आत्मक मौत तो बचना चाहुंदा है ना, ते फिर साहब कहिंदे आत्मक तौर ते परमेश्वर दी सिफत सलाह दा भोजन खा। उन्हां प्रभु प्यारियां ने संत जना ने भोजनंग गोपाल कीर्तनंग, उन्हां वास्ते प्रभु दी कीर्ति ही आत्मक भोजन है। भाव वह अपनी आत्मा नूं मरन नहीं दिंदे, ज्यौंदे रखदे ने। जिवें साहब कहिंदे शरीरक तौर ते किसे कोल पहनण लई कपड़ा ना होवे ते असीं कहिंदे विचारा नंगा है, जिहदे कोल खाण लई भोजन ना होवे आपां कहिंदे आ विचारा भुखा है, जिहदे कोल पीण लई पाणी ना होवे आपां कहिंदे आ विचारा प्यासा है। पर साहब कहिंदे इह सब कुछ होवे पर रब नाल लिवना ना जुड़ी होवे। साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजों क्या करे विचारिया। भी उदा सानू कहिंदे होण भी वेखो जी सरदार साहब आए ने, लोग कहिंदे होण जी ये करोड़ां पति है, पर जे आत्मक लिबास नहीं है आत्मक भोजन नहीं है तो वह विचारा ही है। जिवें कोई नंगा होवे तो आपां कहिंदे विचारे को कपड़ा नहीं, तो जिन्हें परमेश्वर की सिफत सलाह नहीं की उहदी आत्मा बिल्कुल निर्वस्त्र है, वह भी विचारे ही ने। भावें उवें करोड़ां पति होण लखां पति होण, वो आत्मक तौर पर भुखे ही ने। उन्होंने कदे ना जपजी साहब भोजन खाधा, ना सुखमणी साहब भोजन पुंचया, ना कदे उन्होंने गुरु की बाणी का पाठ किया, ना सिमरन किया। साहब कहिंदे आ भोजन जिहड़ा सी ना अजे शरीरक भोजन किते तैनू दूर नेड़े जाण लग्या, कोई उहदे विच बेवकती हो जाए तो कोई गल नहीं, पर आ इह वस्त तजी न जाई नित नित रख उर धारो। आ जिहड़ा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, आत्मक भोजन दिता है ना ये ना त्यागी। वेखी तेरी आत्मा भुखी ना रवे, तेरी आत्मा किते मर ना जावे, इस करके तू ये आत्मक भोजन खाई। अमृत नाम निदान भोजन खाया, उन्होंने जिहड़ा परमेश्वर दा सिफत सलाह वाला अमृत नाम भोजन है वह अपनी जीवन विच उन्होंने खाधा ते वह संतोखी बन गए हन। संत जना की धूर मस्तक लाया, उन्हां वास्ते प्रभु प्यारियां दी संत जना दी जिहड़ी धूड़ है वह बड़ी पवित्र है, वह अपने मत्थे ते लाउंदे ने। ते मत्थे दे लाउण दा भाव यह नहीं भी कोई तुरिया जांदा होवे ते आपां मिट्टी फड़ के मत्थे नूं ला लईए। मत्थे दा भाव है भी निम्रता नाल प्रभु प्यारियां दी संगत विच रहना। जिवें दुनियावी तौर ते संकेत ने किसी नूं पलकां विच बिठाउणा, किसी नूं कहना कि असीं तुहाडे चरणां विच ही रहिंदे आ, ते हुण चरणां विच किहड़ी सराम बणी आ जां कमरा बणिया भी चरणां विच आपां रात कट्टीए, इह सतकार है। इवें प्रभु प्यारियां दी धूड़ी दा मतलब हुण कई ते जिवें सतकार जो ज्ञानी रणजीत सिंह जी मुख ग्रंथी श्री बंगला साहिब एक दिन कह रहे सन भी कई जोड़े घर जा के कहणगे भी सानूं इत्थों चरणां दी धूड़ दिओ, ते उहनां नूं पता ही नहीं भी जोड़े घर चरण तां आउंदे नहीं, इत्थे ते जोड़े आउंदे ने, जोड़ियां दी धूड़ हो सकदी। भाव कि कई वार असीं अखरी अर्थां दे नाल जुड़ के गुरमत जिहड़ी आ उस तों दूर हो जांदे आ। सतगुरु जी ने धूड़ी का मतलब सी भी आपा भाव गवाह दूजियां दी धूड़ बन के रहो, पर इहदा मतलब यह नहीं सी भी किसे तुरे जांदे दे पैर दी मिट्टी चुक के मत्थे नूं लाउणी आ। गरीब नवाज ने कृपा कीती कहण लगे प्रभु प्यारियां दी धूड़ी भाव उहनां दी संगत वी जदों निम्रता दे नाल रहिंदे ने ते उहनां दे जीवन विच वी निर्माणता आउंदी है, पवित्रता आउंदी है। नानक भए पुनीत हर तीरथ नाया, ये नानक को पवित्र जीवन वाले बन गए जिन्हां ने हरी परमेश्वर की सिफत सलाह के तीरथ ते नहाता है। भाव
जेडे सत संगत विच आ के सिफत सलाह परमेश्वर दा नाम जल इस तीरथ ते इशनान करदे ने साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी कोट तीर्थ मज्जन इशनाना इस कल मैं मैल भरीजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। साहब कहिंदे अंतर लोभ जिहदे अंदर लोभ दी वकारां दी मैल है वह बाहरों भावें कई तरह की सुचम रखण पर वह कदे पवित्र जीवन वाले नहीं हुंदे। ते दूसरे पासे जिन्हां ने निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत तां ही जीओ उन्हां दी उच्ची आत्मक अवस्था जिहड़ी है बन जाती है। क्योंकि भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया गुर सिखी दा नहावना गुरमत लै दुरमत मल धोए। गुरसिखी का इशनान है गुरमत का जल लैके अपने अंदरों भैड़ी मत दुरमत जिहड़ी है यदि मैल नूं धो दिओ ते जिहड़े अंदरों निर्मल हो गए ते सचमुच फिर वह मालक दे दर ते प्रवान हो जाते ने। उन्हां दी अवस्था यह बन जाती है कि वह फिर पुनीत भाव पवित्र जीवन वाले बन जाते ने। जदों हर तीर्थ नहाया जदों हरी दे नाम सिफत सलाह वाले तीर्थ ते नहाउंदे ने तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। आ तुसी बैठे हो शब्द की विचार हो रही ना ये आत्मा नूं धोण वास्ते शब्द का ज्ञान जल है ते जिहड़े अंदर लै के जाणगे कन्नां नाल सुण के वह अंदरों पवित्र होणगे। क्योंकि तीर्थ शब्द विचार आ शब्द की विचार जिहड़ी हो रही है ये तीर्थ है ते इस शब्द की विचार दे जल नूं कन्नां राहीं अंदर लै के जाइए ते फिर अंदर की मैल जिहड़ी है वह धोती जाती है। साहब कहिंदे लोकी तरबैणी ते इशनान करदे ने ना जिथे गंगा जमुना सरस्वती आदि कट्ठिया होंदिया ने पर सिख ने इन्हां वहमां भरमां विच नहीं पैना। सिख की तरबैणी किहड़ी है सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मन लाओ। प्रभु की बाणी नूं सुनना मनना ते प्रेम करना आ तीन नदियां जिथे कट्ठिया होणगियां आ तरबैणी है जिन्हें साडी आत्मा नूं शुद्ध करना। जपजी साहिब विच सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। आ अंदरगत अंदर दे तीर्थे ये मल मल के नहाउणा तां कि साढ़े जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल जिहड़ी है वह लथ जाए। तो वह मैल कादी है जिहड़ा कपट करदे आ शलंग छिदरंग कोट बिघनंग अपराधंग किल बिख मलंग परम मोहंग मान अपमानंग मध्यंग माया व्यापतंग। ये छे तरह की जिहड़ी मैल है ये जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई है ते ये उतरेगी तो जदों हरि परमेश्वर दे सिफत सलाह का जिहड़ा जल है वह सानू प्राप्त होवेगा। आओ जिथे आप जी ने पावन मुखवाग की विचार सरवण की है उत्थे चल रही लड़ीवार गुरबाणी कथा सरवण करिए। गूंड महला पंजवां कर किरपा सुख आनंद करे। गूंड राग दे विच शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज श्री हरिमंदर साहब जी दे सिरजनहारे बाणी के बोहित प्रतख हर मूर्त पंच प्रमाण पुरख धन गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दे उचारण कीते हुए अगम्मी वाक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 866 ते शोभनीक हन। जिथे रहाओ वाले बंद वे सतगुरु जी ने कृपा कीती तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ। हे दीना ते दया करन वाले प्रभु जदों असी तेरी शरण विच आउने आ हे परमेश्वर तैनू जप के सदा नदरों नदर निहाल भाव खुशियां खेड़े प्राप्त हो जांदे ने। उत्थे आरंभ वे सतगुरु जी कृपा कर रहे ने कर कृपा सुख आनंद करे। जिन्हां ते मालक कृपा कर दिंदा है उन्हां दी अवस्था सुख आनंद वाली बन जांदी है। मालक राख लिए गुरदेव उस गुरदेव पिता ने अपने ये सिख रूपी जग्यासु रूपी भगत रूपी बच्चे रख ले भाव बचा ले क्योंकि सदा वह राखी करन वाला है। राखा एक हमारा स्वामी रखै रखण हार आप उबारियन वह सदा बचाउंदा तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। आ दुनियावी तौर पर स्वाद ही चुटकी रख नहीं है जां बच्चे दे लक दुआले तड़ागी पा देनी ये रख नहीं है
साहब कहिंदे रख तां उह है जिहड़ा मां दे पेट विच जिस परमात्मा ने तेरी रक्षा कीती है, तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। माता दे पेट विच किहड़ी सवाह दी पुड़ी जां किहड़ी तड़ागी सी जिहड़ी रक्षा करदी सी, जिन्हें माता दे उदर विच बच्चे दी राखी कीती है आ कोई तड़ागी पाउण दी लोड़ नहीं, कोई रख लियाउण दी लोड़ नहीं, उह साडे बच्चियां दा राखा है। मेरा सतगुर रखवाला हुआ धार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोबिंद नवा नरुआ। साहब कहिंदे मेरा पुत्र मेरा बालक नवा नरुआ, क्योंकि मालक ने रख लिया, मालक ने कृपा कर दिती। इस करके वो अपने सिख रूपी अपने भगत रूपी बच्चियां नू सदा रखण वाला है। कृपाल दयाल गोबिंद, वो प्रभु जेड़ा सृष्टि दा मालक है, दया दा घर कृपा दा मुजस्मा है। जी जंत सगले बख्शिंद, वो सारे जीवां ते अपनी बख्शिश करन वाला है, बख्श दिंदा है, माफ कर दिंदा है, ते जिन्नू वो बख्श दिंदा है फिर उहदे गुनाहां दा लेखा कौन कर सकदा है, भाव अफुअल गुनाह है, वो साढ़े गुनाह माफ करने वाला है, इसे करके किया गया वो बख्शांद है। तेरी शरण प्रभ दीन दयाल, हे दया दे घर प्रभु असी जीव तेरी शरण विच हां, पार ब्रह्म जप सदा निहाल, जेड़े जीव पार ब्रह्म परमेश्वर नू जपदे ने वो सदा खुशियां खेड़े वाले हो जांदे ने। निहाल, निहाल दा अर्थ है नदरों नदर निहाल, ते जदों आपां जकारा लाउने आ ना बोलै सो निहाल, जिहड़ा बोलेगा वह निहाल होवेगा कि सत श्री अकाल, भी जिहड़ा अकाल है ना वह सत है, श्री आपां सन्मान वजों लाउने, बाकी सब कुछ काल है। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। साहब कहिंदे वह जिहड़ा ऐड़ा ला के अकाल है ना वह सत है, बाकी सत नहीं है, बाकी तां राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। सत केवल वह है जिहड़ा आद सच जुगाद सच है, पी सच नानक होसी पी सच, जिहड़ा उहनू बोलेगा जिहड़ा उहनू कवेगा सत बोलै सो निहाल, जिहड़ा बोलेगा वह निहाल हो जाएगा, की बोलेगा सत श्री अकाल, ते कई सत श्री अकाल ही कही जांदे, उत्थे अकाल दे अगे ऐड़ा भी नहीं लाउंदे, ते सत नू सत श्री नहीं, सत श्री अकाल, जिहड़ा श्री अकाल पुरख नू सत कवेगा वह फिर निहाल होवेगा। ते वेखो जपजी साहब दा भी यही भाव है ना, साहब कहिंदे जप ते फिर नानक नदरी नदर निहाल, जप तो शुरू करोगे तो फिर नदरी नदर निहाल तक पहुँचोगे, जे बोलोगे उन्हू जे उन्हू जपोगे तो फिर निहाल होवोगे। तो गरीब नवाज ने कृपा की जदों दो सिख आपस में मिलन, तो यह नहीं किया भी भाई साडा नाम लैना जां साडियां धर्म पत्नियां का नाम लैना, जिवें सनातनी मत वाले जदों मिलते ने वो राधे श्याम सीता राम कहिंदे ने ना, साहब ने किते नहीं किया भी साडा जां साडियां पत्नियां दा नाम लियो, साहब कहिंदे जदों मिलना उदों कहना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आ निरालापन है ना भी अपने नाल नहीं जोड़िया, परमेशर नाल जोड़ दिता भी वाहेगुरु का ही ये खालसा है, तो वाहेगुरु जी की फतेह है, उहीओ फतेह बख्शिश करन वाला है। सब कुछ अकाल पुरख वाहेगुरु दे नाल ही जोड़ दिता, तो सानू सिक्ख्या दिती बिन करतार ना किरतम मानो, आद अजोन अजय अविनाशी ते परमेशर जानो, प्राणी परम पुरख पग लागो, उस परमेशर दे चरणा नाल जुड़ना। साहब कहिंदे जदों जुड़ोगे ना तो फिर नदरों नदर निहाल खुशियां खेड़े वाली जिहड़ी अवस्था है वह प्राप्त हो जाएगी। रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, हुण प्रभु वर्गा दयालु कोई दूजा नहीं है, इस करके तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै धर आन ना बिया तेरी समसर, भी जे दूजा होवे ते तेनू छड़ के चले जाइए, पर तेरा सब तो वड्डा गुण यह है कि ना अज तक तेरे वर्गा कोई होया ते ना होना है। साहब कहिंदे ने दुनिया के कोने कोने विच भटक के फिर के वेख लवो, गुण एहो होर ना ही कोए ना को हुआ
ना को होए। उदे वर्गा अज तक दूजा नहीं, क्योंकि सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है, वह एक ही है। इस करके गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा एक तो शुरू होंगी, तो फिर सब नानक ब्रह्म पसारो पसारा सारा उदा ही आ, पर है वो एक, तो उस एक नाल जुड़ना है। साहब कहिंदे जदों एक नाल जुड़ोगे कट कट अंतर सर्ब समाही, फिर समझ आवेगी को एक ही हर हिरदे विच हर थां ते रमिया होया समाया होया है। अपने दास का हालत पालत सवार है, वो अपने सेवकां दा लोक परलोक सवार दिंदा है। एक होके व्यापक किवें, जिवें हुण आकाश आपां वेखदे आं एक आ ना, ते आकाश दे थले आपां 100 घड़े रख दिए, घड़े 100 हो सकदे ने, 100 घड़ियां विच इको समय इको आकाश वेख्या जा सकदा है, पर 100 घड़ियां विच 100 आकाश नहीं है। ते घड़ा तोड़ दिए ते घड़ा टुट जाएगा, आकाश थोड़ा टुटना है। आ साढ़े शरीर रूपी घड़े टुट जाने ने, पर साहब कहिंदे इन्हां सारियां शरीर रूपी घटां दे विच घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। सैस घटा मैं एक आकाश, जिवें आकाश इको ही है, पर सैकड़े घड़िया विच पानी पा के रख दिओ, ते जिस घड़े विच मिट्टी पा दिओगे गंदा हो जाएगा पानी, उहदे विचों नहीं आकाश दिसणा। जिहड़े शरीर रूपी घड़े अंदरों मैले हो गए उहनां विच रब रूपी आकाश नहीं दिसेगा, ते जे घड़े नूं तुसीं हिला दिओ पानी हिली जाएगा फिर भी आकाश नहीं दिसना, घड़िया घड़ा टिकिया होना चाहिए। तो सैकड़े घड़िया विच इको समय एक आकाश वेख सकते हैं। तो साहब कहिंदे घट फुट है तो उही प्रगास, घड़े फुट जान टुट जान पर उहदे ते कोई असर नहीं हुंदा, वह सारिआं विच व्यापक, पर घड़िआं दे टुटण नाल वह टुटदा नहीं है, वह एक है। इस करके उहनूं मतलब कहा गया कि वह सारा कुछ संसार विच बनाउण वाला है भन्नण वाला है, पर आप अविनाशी है। तो जदों वह अपने सेवक का हलत ते पलत लोक ते परलोक सवार दिंदा है, पावन प्रभ बिरद तुम्हार है, हे प्रभु तुहाडे पतत पावन वाले बिरद नाल, भाव जिहड़े जीव विकारां विच डिगे होए ने पतत ने, तुसी उहनां नूं पावन करन वाले हो तुहाडे इस बिरद द्वारा। औखद कोट सिमर गोबिंद, उहनां दा जिथे लोक परलोक सवारिया जांदा है उत्थे जिहड़े आत्मक रोग ने ना, हे प्रभु तुहाडा सिमरन मानो करोड़ां वह रोग जिहड़े तुहाडे तों विछड़ के लगे सन उहनां नूं दूर करन लई औषधी है दवाई है। शरीरक तौर पर रोग लगे तो सियाणा उही है ना, जिहड़ा सियाणे डाक्टर कोल जाए तो चंगे हस्पताल विच अपनी सारी चैकअप कराए, पर आ झोला छाप नीम हकीम खतरा जान भी बैठे ने ना, सियाणा बंदा इन्हां कोल नहीं जांदा। शरीरक तौर पर रोग लगे तो चंगे हस्पताल विच दाखिल होकर चंगे डाक्टर की सलाह लैंदा है। इस तरह जदों आत्मक रोग लगन तो आप पखंडियां कोल नहीं जाना, उदों सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध नवारे, उदों फिर नाम की औषधि नाल साडे आत्मक रोग जिहड़े ने उह दूर हुंदे हन। अंत मंत भजिया भगवंत, परमेश्वर नूं सिमरना ही सब तो वड्डा तंत्र मंत्र है, किसी होर जादू टूने तंत्र मंत्र वाल नहीं तुरना। रोग सोग मेटे प्रभ त्याए, प्रभु नूं त्याउण नाल सारे रोग ते उन्हां तो लगन वाले जिहड़े सोग ने उह खत्म हो जांदे ने। भाव जानको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, ग्रिस्त कुटंब पलेटिया कदे हरक कदे सोग, गौण करे चों कुंटका घड़ी ना बैसण सोए, चित आवै उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। फिर कहिंदे अंदर नूं ठंड पैंदी है, अंदर शीतल हो जांदा है, मन बांछत पूरन फल पाए, ऐसे जी फिर मन इशद फल जिहड़े ने उह प्राप्त कर लैंदे हन। करन कारण समरथ दयार, क्योंकि उहनां नूं समझ आ जांदी है कि प्रभु जिथे समरथ है दयालू है, उत्थे सब कुछ करन ते कराउण दी उह समरथा रखदा है। करन कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं कोई। दुनियावी तौर पर जदों कोई कारज होंद विच आउंदा ना, उहदे पिछे घट्टो घट्ट तीन कारण हुंदे ने, जिवें एक घड़ा ही है,
ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੌਜ ਮਾਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਸ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਪੱਕਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਧਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੜਾ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਾਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਏਕੋ ਹਰ ਜਾਪ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਟਾਨਕੁਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਦਇਆਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਾਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕੋ ਹਰ ਜਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।